I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaskar, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. और आज की वीडियो इन कंटिन्यूएशन विद द व्हाट्स कमिंग अप इन द ईयर 2022. दिस इज़ द सेकेंड वन, दैट मीन्स दैट्स फॉर नंबर टू. आई नो यू ऑल हैव बीन वेटिंग, यू हैव बीन आस्किंग, यू बीन रिक्वेस्टिंग, सो आई थॉट फाइन लेट मी टेक इट अप. सो येस्टरडे आई हैड रिकॉर्डेड फॉर नंबर वन एंड टुडे वी आर रिकॉर्डिंग फॉर नंबर टू. सो नंबर टू मीन्स वॉट? नंबर टू मीन्स मून. हाँ, बट बिफोर आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग आई जस्ट थॉट आई विल टेल यू, आज आपको जगह बदली हुई नज़र आएगी. ये मेरी वही मैनिफेस्टेशन 11:11 पोर्टल वाली वीडियो जहाँ मैंने शूट करी थी, राइट? दिस इज़ द सेम प्लेस. बाई चांस आज घर में कोई है नहीं तो मुझे लगा मौके का फ़ायदा उठाओ और पटाख से जगह चेंज कर लो, सो दैट एटलीस्ट वो सेम येलो बैकग्राउंड आपको शायद बोर हो गए होगे देखते देखते. सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई केम ऑन टू दिस पर्टिकुलर एरिया फॉर शूटिंग द वीडियो. एनी हाउ, नाउ कमिंग बैक टू दिस, सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट नंबर टू. हाउ इज़ इट विच इज़ द डे द ईयर गोइंग टू बी फॉर दोज हु आर बॉर्न ऑन सेकेंड ऑफ एनी मंथ? सेकेंड मीन्स सेकेंड, 11th, 20th एंड 29th, यस, और एल्स योर डेस्टिनी नंबर इज़ नंबर टू. सो आई विल बी राइटिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा सो एज़ टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू फिगर आउट वेदर योर डेस्टिनी नंबर इज़ टू और समथिंग एल्स, राइट? और हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं बीच बीच में कॉमेंट्स लिख के, मैम हमने यहाँ रेजोनेट किया यहाँ नहीं. तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं, तो अगर डेट ऑफ बर्थ से फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, डेट ऑफ बर्थ मेरी 21 नवंबर है, तो अगर मैं 21 की बात कर रही हूँ तो 2+1=3 मैं लिखूँगी, नवंबर 1+1 आई विल राइट 2, सिमिलरली ईयर. अब मैं ईयर नहीं बताने वाली हूँ, सो ईयर का भी जो टोटल होगा वो मैं वो टोटल लिखूँगी. ईयर का टोटल बनता है मेरा 4 एनी हाउ, सो 4+3=7+2=9, सो दैट मीन्स माई डेस्टिनी नंबर इज़ 9. सो अब मैं अगर देखती हूँ तो मेरा 3, 2, 4 एंड 9 बनता है. तो जब हम इस बारे में बात करते हैं तो दैट मीन्स वेयर मैं किसकी रीडिंग चेक करूँगी, मैं रीडिंग चेक करूँगी, मैं अपने आप को 3 से रेजोनेट करूँगी या मैं अपने आप को 9 से रेजोनेट करूँगी. सो दिस इज़ हाउ. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ डुप्लीकेशन ऑफ नंबर्स आ जाती है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज 2 है और मंथ भी 2 है और उसके बाद आपका 4 या 8 कुछ भी आ रहा है, तो आपके पास अगर 2 बार 2 आ गया दैट मीन्स आप हाईली इम्पैक्टेड विद नंबर 2 हो, मोर देन एनी अदर नंबर, राइट? सो एनी हाउ आई होप ये दिस मेक सेंस, अदरवाइज आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मैं कैसे नंबर बताने की कोशिश कर रही हूँ. तो अब इस वीडियो को लंबा ना करते हुए चलो जल्दी से, मुझे पता है बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि 2022 कैसे होने वाला है नंबर 2 वालों के लिए. तो सबसे पहले देर इज़ अ गुड न्यूज़ एंड देर इज़ द नॉट अ वेरी गुड न्यूज़. वो गुड न्यूज़ क्या है? नंबर 1, आपका नंबर है 2. आने वाले साल में 3 बार नंबर 2 आ रहा है, 2 फिर 0 आया, फिर से 2 और फिर से 2. सो आप तो मतलब हैप्पी हो गए. सो द गुड न्यूज़ इज़ देर इज़ 2 कमिंग 3 times, बट एट द सेम टाइम कहते हैं ना, बहुत चीज़ की अति भी अच्छी नहीं होती, टू मच ऑफ एनी थिंग इज़ नॉट रियली गुड फॉर अस, ओके? सो जब नंबर 2 3 बार आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए दैट टू मच ऑफ नंबर 2 विल ऑल्सो नॉट बी वेरी गुड फॉर यू. अगर आप मेरी कुछ एडवाइजेस जिनको मैं बताऊंगी उनको फॉलो करोगे, उन बातों को सुनोगे और उनको नोट डाउन करके रखोगे, क्योंकि अभी सुनते हुए तो आपको सब याद रह जाएगा, लेकिन अगर एक हफ्ते बाद आपसे पूछूंगी तो आपको आधी बातें याद रहेंगी, उसके 10 दिन के बाद पूछूंगी तो आपको आधी भी नहीं याद रहेंगी, और 1 महीने बाद तो आप सब भूल चुके होंगे, राइट? सो नंबर 2 इज नंबर फॉर मून, वी ऑल नो दैट. इट्स अ फेमिनिन नंबर, वी ऑल नो दैट. 2022 इज ऑल्सो इक्वल टू 6, 6 इज ऑल्सो अ फेमिनिन नंबर एज आई एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो. ऑल्सो हम बहुत जोर शोर से अपने न्यू ईयर की रेजोल्यूशन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन शुरू करते हैं एंड आफ्टर अ वाइल वी देन कम बैक टू द नॉर्मल ट्रैक, बिकॉज वो सब चीज़ें हमें वापस पुश करती हैं जो हमारे इतने सालों से हमारी हैबिट बनी हुई है उस तरफ जाने के लिए, राइट? सो एवरी नाउ एंड देन यू विल हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ फॉर ऑल द एडवाइजेज विच आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. येस, नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी रियली रियली ग्रेटफुल, ग्रेट ईयर फॉर यू. मैं इस वीडियो में आपसे 4 बातें बताऊंगी, मैं आपको बताने वाली हूँ आप
आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, दैट इज़ योर करियर और बिजनेस, वॉट एवर इट इज़. आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट मनी, हाउ मनी इज़ गोइंग टू बी मनी मनी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट इट. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप्स, हाउ आर दे गोइंग टू बी विद यू एंड इन दिस ईयर. एंड द फोर्थ थिंग वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज़ योर हेल्थ. हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट? सो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? हम सबसे पहले एक ओवरऑल जनरल बात करते हैं. जनरल अगर आप मुझसे पूछो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. यू विल मीट योर गोल्स, वेरी श्योरली यू विल मीट योर गोल्स, ओनली इफ यू आर एबल टू बैलेंस योर इमोशंस. दैट्स द अंडरलाइनिंग वर्ड, बैलेंस योर इमोशंस. Because number two is a water sign, number two is a feminine energy, number two is a moon energy. It's all about emotions. It's all about emotions. So agar aap apne emotions ko is pure saal mein apne control mein rakh paoge, to aap koi bhi unchai zindagi ki chhu paoge, wo har cheez aur har mukam ko pa paoge. Unless and until, jab bhi aap bahut zyada dil se sochoge या दिमाग से सोचोगे और आप इफेक्टेड रहोगे अपने थॉट्स से या अपने माइंड से, तो हो सकता है आपको परेशानियां आएँ. सो दिस वाज फर्स्ट एडवाइस. नाउ आई मूव ऑन टू व्हाट इज़ इट दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ एज सच फॉर इन टर्म्स ऑफ करियर. नाउ इन करियर, इफ यू आस्क मी, यू आर गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर योर बॉसेस, फॉर योर एम्प्लॉयर्स, फॉर एवरीबडी, एंड यू आर गोइंग टू बी देयर वन ऑफ देयर फेवरेट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड यू गोइंग टू बिगिन वेरी वेल एंड द ईयर इज गोइंग टू एंड वेरी वेल. इन बिटवीन समवेयर इन द मंथ ऑफ जून देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग अ लिटल हेवायर, बट अदरवाइज द करियर इज गोइंग टू प्रोग्रेस रियली वेल. यू विल बी रिवॉर्डेड विद लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स. बहुत सारे आपकी झोली में आने वाले हैं, आप उसके लिए तैयार रहिएगा. जितनी आप एंथुजियाज्म से काम करते हैं, तो जब भी एक रोड ब्लॉक या दो आएंगे, तो आपको अपने आप को विचलित नहीं करना है. दैट्स द पीस ऑफ एडवाइस. आपको गिव अप नहीं करना है छोटी सी स्ट्रगल से, वो भी आपकी मेंटल या इमोशनल स्ट्रगल होंगी, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको साइडलाइन करते हुए आप फोकस किस पे करेंगे? उन चीज़ों पे जो आपको एलिवेट कर रही हैं, जो आपको दिमाग से बढ़ा रही हैं, जो आपको हिम्मत दे रही हैं, जो आपको मेहनत करने के लिए आगे बढ़ा रही हैं. सो वंस यू डू दैट, योर करियर इज गोइंग टू बी रियली गुड. करियर वाइज दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ईयर. Another important thing, second advice is, आप procrastinate नहीं करेंगे. That means you will not keep sitting thinking कि ये मैंने काम कल करना है. Moon energies के साथ that's the only problem which happens is कि वो बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, तो वो action में आने में थोड़ा time लगा देते हैं. So what I was saying is कि action में आने में देर नहीं लगानी है आपको. Quickly you have to jump into the action mode and not into the procrastination mode. Now I am going to be talking about money. Lot of financial gains are going to be there this year. You will elevate your standard of living. You will get a lot of abundance in terms of monetary gains, in terms of wealth. There's a possibility that you begin with a new business of yours, and this particular business of yours which you are going to be commencing with is going to really, really give you rich dividends, much more than you would have ever imagined. And reap the harvest, be in the glory and keep doing your tasks in time. Usko delay nahi karenge aap. Aapka finances bahut high hone wala hai. Aap creative fields mein bahut 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 success gain karenge. Is saal aapke jitne bhi kaam collaboration se honge, especially with number 6 people and with number 3 people, they are going to give you richest of the benefits. Also आपको बहुत सारी सक्सेस आपके सामने नज़र आ रही है, और अब इस बार, इस साल अबंडेंस आपको ज़रूर मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर मनी. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट विच इज़ रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स, कंग्रेचुलेशंस, यू गोइंग टू गेट मैरिड. इफ़ इन केस यू आर वांटिंग टू, यू आर प्लानिंग टू, प्लीज़ गो अहेड एंड गेट मैरिड. It's a feminine year, it's a feminine energy, and you are going to be very, very happy, happily married and happy into your relationship zone. Colors, I will specifically say, अगर आपको लग रहा है कि आपकी अभी शादी होने वाली है या नहीं हो रही है, या you are planning to do that, I'll tell you to add a little more on
pink shades in your attire or wardrobe, or somewhere something related to pastel colors and even the floral. So any floral print or any pastel colors or anything with the pinkish shade is going to really help you out with that. बहुत सारा प्यार मिलेगा आपके रिलेशनशिप में, आपको बहुत सारी हैप्पीनेस मिलेगी, आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर पाएंगे इन दी कंपनी ऑफ योर लव्ड वंस, विच इज़ रियली रियली गुड. इवन द फैमिली, आप फैमिली के साथ बहुत सारा समय और टाइम स्पेंड कर पाएंगे इस साल में. नाउ आई मूव टू द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ योर हेल्थ. हेल्थ के लिए मैं थोड़ी सी एक चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा केयरफुल होना है. कब? मई जून के मंथ में थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड अनकम्फर्टेबलनेस या कुछ छोटी मोटी, बहुत बड़े इश्यूज तो नहीं होंगे लेकिन हाँ छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं. सो इन दैट केस जस्ट ट्राई एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ड्यूरिंग दीज टू मंथ्स. द रेस्ट ऑफ द ईयर इज गोइंग टू बी रियली वंडरफुल फॉर यू. ओनली एडवाइस विच आई कैन गिव यू इज, जब आपको लगे आपकी मानसिक शांति भंग हो रही है, दैट मीन्स मेंटली योर पीस इज़ गोइंग फॉर अ टॉस, बिकॉज आप हर चीज़ बहुत दिमाग और दिल से सोचते हो, उस टाइम पे आपको यू हैव टू कनेक्ट विद दी फाइव तत्वाज. मेरी एक वीडियो भी है हाउ टू रिमूव दी मेंटल एंग्जाइटी एंड टेंशन से रिलेटेड. दैट वीडियो यू कैन हैव अ लुक एट इट आफ्टर उससे वीडियो देखने के बाद. आप पांच चीज़ें मैंने बताई हैं कैसे आप पांचों तत्वों से जुड़ सकते हैं जो हमेशा आपको हेल्प करेंगी टू कम आउट ऑफ दैट मेंटल एग्नी. सेकेंड पीस ऑफ एडवाइजेज, अगर हो सके तो 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अपने आप को रोज़ देने की कोशिश करना, सुबह की मेडिटेशन या रात को सोने से पहले की मेडिटेशन. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू अ लॉट. सो इसलिए जब भी आप एक डिप्रेसिंग मोड में जाने लगो, तुरंत से याद कर लेना पानी पीना है ज़्यादा उस दिन, स्पेशली उसी समय से. बाहर घूमना है हमें, वेयर वी आर टेकिंग अराउंड इन दी नेचर, नंगे पैर ज़मीन पर घूमना है, पेड़ों के आसपास खड़े होकर डीप ब्रेथ्स लेनी है और थोड़ा सा मेडिटेट करना है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई वुड एडवाइज यू टू डू. यू कैन ऑल्सो गो इन फॉर कैंडल मेडिटेशन. आप कैंडल की लौ को देख के भी आप मेडिटेट कर सकते हो और इमेजिन करके भी मेडिटेट कर सकते हो. सो ऑल दिस इज़ गोइंग टू रियली यू नो आपको बाउंस बैक करवाएगी वापस आपके दूसरे एक्शन मोड के अंदर, बिकॉज ये साल आपके लिए अच्छा है. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू सो मच एंड आई हम्बली पे माई ग्रैटिट्यूड, दिल से बहुत बड़ा वाला आभार शुक्रिया आप सभी का, आप सबका इस चैनल से जुड़ने के लिए और मुझे ढेरों सारा प्यार देने के लिए. मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं अल्फाज अपने बखान कर पाऊँ या आपको कह पाऊँ कि मैं इस टाइम किस मनोस्थिति से गुजर रही हूँ. आई एम स्पीचलेस, आई हैव नो वर्ड्स except to humbly bow and say thank you to you. God bless you, stay abundant, and may the new year bring lots and lots of abundance to you in terms of your family, health, relationships, work, any and every which ways that you aspire for. All the very best.